तो मेरे YouTube चैनल में आज हम एक बात करें। एक मुद्दा है बिहार में बहुत जोशों खरों से चल रहा है। बहुत सारे नेता पीछे पड़े हुए हैं। प्रोफेसर चंद्रशेखर जी हैं जो मधेपुरा से विधायक हैं, जिन्होंने अभी पप्पू यादव को और जदयू के प्रवक्ता थे कोई निखिल, उनको हरा के राजद से विधायक बने थे। तो आजकल क्या एक फैशन चला है कि कोई भी बयान दे दो वायरल हो जाए, क्योंकि सबसे आसान तरीका है हिंदू, कि हिंदू को कुछ भी बोल दो, हिंदू के देवी देवताओं को, ग्रंथ को कुछ भी बोल दो, क्योंकि कोई कुछ बोलेगा, क्योंकि हिंदू को तो कुछ लेना देना है नहीं। यही अगर इनकी ऐसा है तो बहुत सारी खामियां हैं, बाइबल में है, कुरान में है, तो उस पर भी नेताजी बोले। और नेताजी का जो मेन काम है शिक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्री है, तो आप अपनी शिक्षा ध्यान दीजिए ना। बिहार में कितना पिछड़ा हुआ है, बिहार में मैं भी काफी टाइम रहा हूँ, वैसे रहने वाला मैं यूपी का हूँ, लेकिन स्कूलिंग मेरी बिहार में हुई है। तो मैं तो देख रहा हूँ और आता जाता हूँ तो देखता हूँ कि स्कूलों में क्या हाल। स्कूलों में ये हाल है कि लड़के नहीं आते हैं, कोई पढ़ना नहीं चाहता है। बिहार में जैसे तैसे 10th की पढ़ाई करते हैं और फिर वो बाहर निकल जाते हैं, दिल्ली निकल जाएंगे, यूपी निकल जाएंगे, बॉम्बे, कहीं भी। आप तो इंडिया के किसी भी स्टेट में चले जाएंगे आपको बिहारी मिल जाएगा, चाहे वो काम करता हो, चाहे सब्जी बेचता हो, चाहे पढ़ाई का कुछ भी हो, कोई बिहार में रहना नहीं चाहता है। और चंद्रशेखर जी क्या है कि इनको जंगल राज में इनकी पार्टी को मजा आता है, क्योंकि आजकल मैं सुनता हूँ बयान कि तेजस्वी यादव भी कुछ नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं मुद्दा ये है वो है। अभी टीचर भर्ती के लिए कोई आंदोलन हुआ था, उसमें बोले कि प्रोफेसर चंद्रशेखर जी की आप उनसे पूछो जिनका सीना चौड़ा है, जो ये बोलते थे रोजगार देंगे रोजगार देंगे, राज तो इनकी भी सरकार है, इनको रोजगार देना चाहिए। और चंद्रशेखर जी से मैं बोलूंगा चलो ठीक है, जो भी है वो तो टाइम बताएगा क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आपको जो दिया गया पद उस पद पे आप देखो ना कि क्या करना है, कि क्या बेहतर कर सकते हैं बिहार की शिक्षा के लिए। जो बहुत सारे कॉलेज अभाव है वहां पे, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है सही से, तो टीचर है, टीचर वैसे बहुत सारे सरकारी टीचर जिसको मैं जानता हूँ डायरेक्ट सर कह सकता हूँ कि वो टीचर है, लेकिन उनकी जगह पे क्या दूसरा कोई जा रहा पढ़ाने, तो कोई देखने सुनने वाला नहीं है। करप्शन जोर पर बिहार में वो कहीं नहीं है। तो प्रोफेसर चंद्रशेखर जी मेरा तो यही कहना है कुछ ही, आप रामचरितमानस में क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आपका जो विभाग है उस पर ध्यान दे तो बिहार को बहुत बहुत भला हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो ज्यादा ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।